नमस्कार दोस्तों, करेटा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेटा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबके मन में है, मेरे मन में भी है। मैं अभी लॉकडाउन में दिल्ली में फंसा हुआ हूँ, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबके मन में है कि नहीं मैं फंस गया हूँ या कुछ और हो गया है और सिचुएशन अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबके मन में एक ही सवाल है, क्या 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, लॉकडाउन खुले या ना खुले, पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। ये जो लॉकडाउन है ना, गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी संस्था ने या फिर पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो ये अपने लिए नहीं ले रहे हैं, ये हमारे लिए ले रहे हैं, हमारी फैमिली के लिए ले रहे हैं। अगर देश का पीएम आकर के आपसे बोले कि लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो समझ जाओ लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश चलाना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप उनसे पूछ सकते हो। हम अपने घर चलाते हैं, अपनी फैमिली चलाते हैं, उसमें हमें इशू होता है। जो 130 करोड़ लोगों का भार लेकर के जो झेलता है उसको पता होता है कि क्या रियलिटी क्या है, इसका अंजाम क्या होगा। आप देख सकते हो चाइना और स्पेन और इटली से सीख सकते हो कि कितनी भयानक कंडीशन है। अमेरिका की देख लो, इतना बड़ा देश है तब भी इतनी बुरी कंडीशन है। तो बस क्वेश्चन सबके दिमाग में ये है कि लॉकडाउन खुल जाए। प्लीज आप लोग, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो उससे अपने आपको सेफ रखिएगा। ये नहीं कि भीड़ लॉकडाउन खुलते ही एकदम टूट पड़े, लॉकडाउन खुला नहीं कि एकदम भाग चले, तो उससे थोड़ा सा आप अपने आप को सावधान रखिएगा अगर लॉकडाउन खुलता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अभी जो चांसेस हैं, आप कह लीजिए कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वो मुश्किल है लॉकडाउन खुलना, और अगर खुलता भी है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्योंकि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से बात किया है। 11 तारीख को वो हर स्टेट के सीएम से बात करेंगे, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे कि लॉकडाउन कंटिन्यू करना है या फिर यहीं खत्म करना है। देखो, कई प्लस और माइनस पॉइंट लॉकडाउन के दोनों भी हैं। देखो, अगर लॉकडाउन खुलता है तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा कि लोग भीड़ में बहुत तेजी से भागेंगे। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, वो लोग माइंडसेट बना चुके हैं कि मुझे अपने घर जाना है, तो वो लोग सोचेंगे कुछ भी मिल जाए, किसी भी तरह से हम अपने घर अपने गांव चले जाएं। लेकिन प्लीज आप लोग जहां पे भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई और बंदे हो, तो आप लोग पेशेंस, धैर्य जिसे कहते हैं हिंदी में, वो धैर्य बनाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी लाइफ में बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आती है। आप गांव की तरफ भाग रहे हो, अगर गांव में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिले और सारी सुविधाएं नहीं मिली तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सिटीज में रहोगे तो आई थिंक गांव से मच बेटर आपको सुविधा मिल जाएगी। हाँ, मैं मानता हूं कि जो खाने पीने की दिक्कतें हैं कुछ टाइम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जब कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसको ना कोई देखा है, छुआछूत से फैलता है और इतनी तेज फैलता है कि एक बंदा कम से कम दो बंदों को करता है और मैक्सिमम 409 या 406 बंदों को कर सकता है पॉजिटिव। तो सोचो ये वायरस कितना खतरनाक है। तो पॉइंट से हम लोग भटके नहीं, लॉकडाउन पे बात कर रहे थे। तो 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन मेरे हिसाब से जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, कुछ दिन और होना चाहिए, या फिर अगर लॉकडाउन ओपन कर रहे हो तो उसको पार्सली ओपन करो, कुछ पार्ट अलाउ करो, आपकी जो धारा 144 है वो लागू कर दे, या फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन की बिना मास्क के ना निकले, इस टर्म्स एंड कंडीशन में खुले तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खोल देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।